नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। स्लो कैफे में आपका स्वागत है। स्लो कैफे, जैसा आप जानते हैं, वो जगह है जहां आप और मैं अब रोज़ मिलते हैं, वो जगह जहां बहुत अजीम शख्सियतों से मेरा टकराना हो जाता है और इसी बहाने आपसे उनकी मुलाकात मैं करा देता हूं। आसपास की टेबल्स पे आप बैठे हुए उचक उचक के जो हमारी बातें सुनने लग जाते हैं, तो फिर मजबूरन मुझे आपका भी तारुफ करवाना पड़ता है अपने मेहमान से। मेहमान मेरे रोज़ कुछ न कुछ बता के सिखा के जाते हैं, लेकिन आज के जो मेहमान हैं वो इतने ख़ास हैं और मुझे बहुत प्यारे लगते हैं वो। मैं उनसे कम मिला हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत जानता हूँ। उनका नाम है पुष्पेश पंत जी। पुष्पेश पंत जी का बहुत बहुत मैं स्वागत कर रहा हूँ द स्लो कैफ़े में। सर, आपका स्वागत है और आपकी तारीफ में क्या कहूँ मैं, आप तो ओरेकल हैं। तो जो ओरेकल जैसे होते ना, हर 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 चीज़ के बारे में जो इतने इतनी विद्वता रखते हैं, इतना ज्ञान रखते हैं एफर्टलेसली उसके बारे में, तो आप किसी दिन उनसे विज्ञान की बात करें या खाने की बात करें या इतिहास की बात करें, जिस मुद्दे पे आप बात करें आनंद आ जाता है। तो लेकिन आज मैं बात करना चाहता हूँ एक ऐसे ख्याल की। मैं आपको थोड़ा चिढ़ा भी रहा हूँ उस वो थीम चुन के, आज का छेड़ भी रहा हूँ और हमारा वो साझा अनुभव भी है कहीं ना कहीं। तो आज का हमारा थीम है पहाड़ की यादें। तो चार दीवारी में बैठ के NCR में फटफटा रहे होंगे। मैं सवेरे आपसे कहा कि मुझे तय हुआ कि आप तो परपीड़क हैं, आपके पहाड़ जाने का मौका नहीं बन रहा है। पहाड़ी में शब्द है नराई, जब अपने घर की याद बहुत नराई लग रही है। हाँ जी 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 जी, आवाज है। तो यहाँ इतने महीनों से आदमी पहाड़ जाने को तरस रहा है और इस डर के मारे नहीं जा रहा है कि वहाँ पहुंचा तो वहाँ भी क्वारंटाइन में बंद कर दिया जाएगा। और ऐसे ही आप पहाड़ की यादें कुरेद रहे हैं कि पुराने जख्मों को न केवल कुरेद रहा है, उस पर नमक छिड़का दी। तो आप हम बात करते हैं, आपका जन्म उत्तराखंड में हुआ। मेरा जन्म उत्तराखंड में हुआ और बड़े विचित्र एक स्थान में हुआ जिसका नाम था मुक्तेश्वर। वो एक छोटा सा कस्बा था, गांव नुमा कस्बा था, मगर वो ऐसा कस्बा था जहाँ बिजली जिला मुख्यालय अल्मोड़ा के पहले पहुंची थी। वहाँ मोटर सड़क नहीं थी, मगर वहाँ एक अखिल भारतीय स्तर का शोध संस्थान इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट चलता था, जो पहले इंपीरियल वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट था, जहाँ मेरे पिता मुख्य चिकित्सक थे और वो काफ़ी हद तक अंग्रेज़ों की अपनी ऐशो आराम के लिए बनाई हुई जगह थी। तो वो इंस्टीट्यूट तो बड़ा अच्छा था, शोध संस्थान तो पता नहीं जैसा था या न था, मगर वहाँ जो अधिकारी थे उन सबके रहने के लिए बड़ी अय्याशी की व्यवस्था थी। तो वहाँ जो फोन लाइन हमारे घर में थी वो बर्फ़ के कारण जाड़ों में टूटती थी, मगर 32 मील तक वो तार खींचा गया था। जब आप घंटी घर में फ़ोन की घुमा कर बजाएँ तो वो नैनीताल एक्सचेंज में बजती थी और फिर नैनीताल एक्सचेंज वाला किसी मुक्तेश्वर के दूसरे फ़ोन से आपका कनेक्शन फिर 32 मील दूसरे तार से मिलाता था। तो एक विचित्र जगह थी वो। लगभग 8,000 फुट की ऊंचाई पर मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर था, जो जिसके बारे में मान्यता थी कि वहाँ जो मन्नत मानी जाए वो पूरी होती थी। तो वो एक लंबी कहानी अलग से और है, मगर इस मुक्तेश्वर की कहानी ये थी कि था वो नैनीताल जिले में, नज़दीक अल्मोड़ा के पड़ता था। हमारे घर से पीछे निकल आइए, डाक बंगले की लॉन पे आ जाइए, तो अल्मोड़ा अर्धचंद्राकार आपको सामने बिखरा नजर आता था। वो अल्मोड़ा जो सारे पहाड़ियों के लिए सांस्कृतिक राजधानी या उनकी सारी यादों का केंद्र है। तो ये विचित्र बात थी कि वो शहरनुमा कस्बा था, गांव भी था, अड़ोस पड़ोस में गांव भी थे। और मुझे याद आता है जब तक मैं 10वीं में पढ़ता था तो नरभक्षी बाघ भी धीरे कभी अपना खौफ फैलाते थे। बचपन कैसा था? बचपन बड़ा सुखद था। वो सौभाग्य का कारण ये था कि मेरी माँ गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतन में पढ़ी थी, मौसी शिवानी के साथ बड़ी बहन माँ थी, उनके एक भाई थे त्रिभुवन पांडे, वो भी उनके साथ पढ़े थे। तो उनके दिमाग में ये सपना था कि अपने बच्चों को वो स्कूल में नहीं भेजेंगी, छात्रावास में नहीं भेजेंगी, वैसे ही पढ़ाएंगी जैसे विश्व भारती शांति निकेतन में पढ़ाने की व्यवस्था थी। तो उन्होंने हमको घर पर ही पढ़ाया
और घर पर पढ़ाने का जो सौभाग्य था वो ये था कि नियमित, आजकल का माहौल लगा दीजिए, स्कूल नहीं जाना पड़ता था, क्लास नहीं होती थी, डिजिटल माध्यम नहीं थे, तो माही कभी शेक्सपियर का नाटक एक पात्र बनकर सुनाती थी, कभी कोई नाटक या महाकाव्य या गीतिकाव्य कालिदास का होता था। तो मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में हूँ जिनका अक्षरारंभ होने से पहले, जिन्होंने शायद बारह खड़ी सीखने के पहले संस्कृत के श्लोक सुने, मेघदूत के अस्तुत्तर स्थान ऋषिदेवित आत्मा हिमालय नाम नगादि राजा आदि, या कश्चित कांता वेरा गुणा स्वाधिकारा प्रमत्ता शापे नष्टंगमित महिमा वर्ष भोग्यण भर्तु, उन्होंने मतलब वक्र क्रीड़ा करते मेघों को वर्षा के बाद मुक्तेश्वर में देखा है, और शिव का अट्टहास जो कुमार संभव का है वो घर के सामने बिखरा पड़ा रहता था 120 किलोमीटर हिमालय की चोटियां, नंदा देवी पंचचूड़ी त्रिशूल नंदा कुटी आदि। तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर बचपन बीत नहीं सकता था। खाता पीता संपन्न परिवार था, पिता डॉक्टर थे, खुले मिजाज के थे, माँ बहुभाषाविद थी। तो मेरे ख्याल में जो संयोग होता है, जिसे एक्सीडेंट ऑफ बर्थ अंग्रेजी में कहते हैं, कुछ लोग अभागे होते हैं, कुछ लोग बिना, अब पूर्व जन्म में तो मेरी आस्था है नहीं, मगर यदि कोई कर्म फल संचित होता है, पूर्व जन्म में आस्था इसलिए नहीं कि यदि पूर्व जन्म माने तो फिर मृत्यु के बाद दूसरा जन्म भी सोचना पड़ेगा ना, तो उसकी चिंता से मुक्त होने के लिए जरूरी है कि कर्म फल से आप मुक्त हों। तो मुझे लगता है कि बचपन बहुत सुख से बीता, और इस स्थान का उल्लेख इसलिए जरूरी है कि मौसम वहां बदलते थे। गर्मियों में चटक धूप होती थी, देवदार के वृक्ष थे, फिर पतझड़ शरद ऋतु में नीला निरभ्र आकाश होता था, फिर हेमंत और शिशिर दोनों ही मौसम वहां आप झेल सकते थे, फिर वसंत का आगमन होता था, ग्रीष्म बहुत सुखद होता था। तो मुझे लगता है कि उस जगह में बचपन जन्म से 12-13 वर्ष तक बीता, जब तक मैं आगे की विधिवत पढ़ाई के लिए नैनीताल नहीं गया, तो शायद कम लोग होंगे जिनको इतना सौभाग्य बचपन इतना सुखद बीता। कितनी खूबसूरत बात कही आपने। आजकल इसको होम स्कूलिंग नाम से निपटा दिया जाता है, इस ऐसे बड़े होने को, और ऐसा बचपन मिलना दुर्लभ है। एक छोटी सी कोशिश मेरी रही, मेरी बेटी 5 साल की अब हो गई है, उसका नाम है वैदेही, तो उसको भी गांव से बहुत प्यार है, तो गांव में हम अक्सर अपने वहीं गांव के घर में ही रहते हैं। तो वो जो माहौल है कि एक तो सोशल प्रेजुडिस के बिना बड़े होना, ये ना बताया जाना कि उनके साथ नहीं खेलना है, मिट्टी में नहीं हाथ पैर गंदे करने हैं, बकरी का बच्चा हुआ है ये एक घटना है उसके जीवन में, और जन्म होने के कुछ देर बाद उससे मिलने को मिल रहा है, या गाय के पास जा रही है, या खरगोश आ गए कहीं। तो मुझे लगता है कि ये जो इस तरह की अपब्रिंगिंग आपकी तो बहुत ज़्यादा एनरिच्ड और बहुत ज़्यादा समृद्ध रही, पर वही मुझे याद आ रहा था आपको सुनते हुए। कई लोग याद होंगे उस वक्त के, एक शाहजी के बारे में बता रहे थे आप। हाँ, मुझे बहुत लोग याद है, लेकिन वो शाहजी थे वो मुक्तेश्वर में नहीं थे, वो शाहजी अल्मोड़ा में थे। और कई वर्ष बाद ये हुआ कि तब मेरी उम्र 20-21 वर्ष की होगी, मैं एक बार अल्मोड़ा में फंस गया था बर्फ में पाला पड़ गया था, सीढ़ियों पर बहुत फिसलन थी, चौधरी कोला में हमारा मकान था, वो वहाँ बत्ती चली गई थी मट्टी तेल लाने के लिए, मुझे नीचे शाहजी नाम के एक नंदलाल शाहजी थे पंसारी, उनकी दुकान पे भेजा गया। मैं फिसलता बचता गिरने से उनकी दुकान तक पहुँचा तो वहाँ कई लोग खड़े थे, और एक बड़ा विस्तृत दृश्य था कि सरसों का तेल भी जम गया था, वो कागज़ की पुड़िया में पाव भर कोई खरीद के ले जा रहा था, और शाहजी निर्विकार भाव से तराजू से कुछ तोलते कुछ गुनगुना रहे थे। जो गुनगुना रहे थे वो बहुत सुरीला था और भैरवी ठुबरी लग रही थी, तो मैं कुछ देर तक सुनता रहा। फिर मैंने उन्होंने मुझसे सब पूछा, हाँ क्या लेने आए हो, तो मैंने कहा ये आप शायद भैरवी, तो उन्होंने फिर कहा अरे ये आज के लौंडे लबड़ी तुम क्या समझोगे, हमने सब सीखा है उदय शंकर के यहाँ। तो फिर उन्होंने थोड़ा उस दिन फुर्सत में थे, बर्फ भी पड़ी थी, ग्राहक कम थे, तो मुझे समझाया कि 30 के दशक के मध्य में जब उदय शंकर ने अपना अंतर्राष्ट्रीय कला केंद्र खोला था अल्मोड़ा में, तो वहाँ जो किशोर जाते थे कुछ तमाशा देखने को, कुछ लड़के लड़कियों के श्रृंखल प्रेम व्यवहार को देखने के लिए, जो उन दिनों अफवाहें फैली थी शहर में कुछ बड़े नामों के लिए दर्शन के लिए, तो वहाँ उनकी भी कुछ कक्षाएं होती थी। और शाहजी ने वो जब बंदिशें वहाँ ग्रहण की थी, अब वो खाली समय में न तो वो कभी कलाकार बड़े बन पाए, न सार्वजनिक मंच उन्हें मिला, मगर स्वांता सुखाय जो वो गुनगुनाते थे वो कितना सुर में था और सुर कितना सही लगा था इसकी कल्पना करना कठिन है। फिर मुझे उस दिन इस बात का एहसास हुआ कि
ये कहानियां पिता भी सुनाते थे कि जब वो मेडिकल हॉल में बैठा करते थे, प्रैक्टिस करते थे, उदय शंकर उनके यहाँ आते थे, तो मुझे लगता था पिताजी बड़ी दूर की हाँक रहे हैं, क्योंकि माता जी के सब जानकार शांति निकेतन के लोग थे, पिताजी मतलब उस घर में बेचारे डॉक्टर थे तो निरक्षर ही समझे जाते थे, तो वो या ज्यादा लोग सोचते थे इन्होंने ठुमरी मुजरा लखनऊ में चौक में सुना होगा, इनका इन सब चीज़ों से क्या लेना देना। मगर फिर बहुत वर्ष बाद जब मैंने नियरर टू हेवन टू अर्थ नाम की किताब पढ़ी, जो बोशी सेन के संस्करण थे, जो विवेकानंद के शिष्य थे जिन्होंने अपनी प्रयोगशाला अल्मोड़ा में फिर खोली, तो उसमें एक संग है कि उदय शंकर मिलने को एक डॉक्टर की दुकान पे जाते थे लैला बाजार में, जो बंगाली में उनके साथ बोलते थे, और ये संयोग था कि मेरे किताब के जो छात्रावास के अंतर्देशीय कमरे के रूममेट थे वो बंगाली डॉक्टर सिद्दीकी थे, तो पिताजी ने उनके साथ बंगाली बोलना सीखा था माँ से शादी के कई वर्ष पहले, तो वो सारी कहानियाँ फिर एक दूसरे से पुष्ट होती है। तो फिर मैंने सोचा कि अल्मोड़ा क्या कर रहा होगा, और जब लोगों ने अकस्मात कभी दर्शन किए होंगे, संपर्क किया होगा उदय शंकर का, रविशंकर के लोग किशोर थे, गुरुकर जी तो किशोर थे, उजला आपा और दोहरा आपा वहाँ थी, अच्छा उदय शंकर तब वहाँ थी, जो नमूदरी वहाँ हुआ करते थे, और ये बात मेरे जन्म से 10 वर्ष पहले की है, जिसको मैं तलाशता रहा हूँ एक मृत क्षणा की तरह, कि अल्मोड़ा की जीवनी पर मैं काम कर रहा हूँ काफ़ी अरसे से, कि अच्छा जीवनी के 50 वर्ष, तो उसमें बार बार ये मैं उसकी सुलझाने की कोशिश करता हूँ, कभी विवेकानंद वहाँ आए, कभी रवि ठाकुर वहाँ आए, कभी क्रांतिकारी लोग वहाँ पहुँचे, किसी जोशी जो समाजवादी पार्टी के महासचिव रहे वो अल्मोड़ा के रहने वाले थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि अल्मोड़ा को प्रगति का तत्व शिथिल पड़ता गया, और अल्मोड़ा एक दकिया घूस विधवाओं का, आवारा किशोरों का कस्बा बन गया, मगर वो दूसरी कहानी है, वो पहाड़ की दूसरी यादों से जुड़ा है, और अल्मोड़ा हमारा जाना होता रहता था मुक्तेश्वर से पैदल मार्ग से शादी ब्याह पर किसी के उत्सव पर, तो अल्मोड़ा में फिर जाकर बड़ा आश्चर्य होता था कैसा जिला मुख्यालय है, यहाँ पेट्रोमैक्स 5 लीटर वाली लाइट जलती है, वो भी कुछ घरों में जलती थी, बाकी घरों में नहीं जलता था, वो जगह जहाँ पानी नल पे नहीं आता था, लोग नौलों से बावड़ियों से भर कर लाते थे, तो फिर नैनीताल कभी जाना होता था, तो जो आपने पहाड़ की यादें कहा, कुछ यादें हिल स्टेशन नुमा पहाड़ की होती हैं, कुछ यादें पहाड़ में छात्र जीवन की होती हैं, कुछ यादें पहाड़ में टूरिस्टों के आने के बाद उस शहर का अजनबी बन जाना होता है, और कुछ यादें ऐसी होती हैं कि रहते आप नैनीताल में हैं, मन आपका बसता अल्मोड़ा में है, और अल्मोड़ा फिर जुड़ता है भीतर के ग्रामीण अंचल के साथ, तो अल्मोड़ा वासी जैसे हमारे ननिहाल वाले थे वो 150 साल पहले अल्मोड़ा में आके घर बनाकर रहते थे, तो वो अल्मोड़िया ब्राह्मण थे, मगर जहाँ से जिस ग्रामीण अंचल से वो आए थे उनके लिए वो सब देहाती खचिया थे, जो ठाकुर थे और पता नहीं कहाँ के बिना पढ़े लिखे जाहिर लोग थे जिनको वो अपनी ज़मीनें कमाने को दे आए थे, तो उनका पौरोहित्य चलता था, उनका सामंती संस्कार चलता था, मगर उनके लिए वो देहाती अंचल से सिर्फ वसूली के लिए जा रहे होता था, उससे उस ग्रामीण अंचल से उनकी जड़ें कट फट छट गई थी। जब आपने गाँव की बात कही तो मैदानी गाँव का बहुत अंतर है, मैदानी गाँव बड़े होते हैं, जुड़े रहते हैं, मगर पहाड़ी गांव छोटे छोटे जिन्हें अंग्रेजी में हैमलेट कहते हैं 5-10 जी बिल्कुल, और उसका दुर्गम रास्ता होता है कि वो आपस में जुड़ता है, तो अल्मोड़ा से जो गांव नजर आती है वो अगर अल्मोड़ा से बिनसर की तरफ जाए तो कसूर का गांव नजर आता है, जो मेरे ननिहाल मगर मेरे पैतृक गाँव जो है वो गंगोली घाट की तरफ का कहीं का था, वो दनिया की तरफ का कहीं था, वो नजर नहीं आता था, तो जो चीज नजर आती है उसके साथ फिर भी शायद एक नाता बना रहता है। मैं तो नैनीताल में बड़ा हुआ, लेकिन मैं जब क्लास 5 यानी कि मैं लगभग 10 साल का रहा, सो 82 के आसपास, और नहीं, मेरे पिताजी ये जियोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर रहे, वहीं से रिटायर हुए। हाँ, तो वो जब तक डीएसपी कॉलेज जियोलॉजी डिपार्टमेंट खुला तब तक तो मुझे छोड़े 20 वर्ष हो गए थे, 1963 में डीएसपी कॉलेज से एमए पूरा करके छोड़ा, तो वहाँ तो बड़ा अद्भुत जियोलॉजी विभाग था, डॉक्टर खड़ग सिंह वल्दिया उसके साथ जुड़े हुए थे, वहाँ आए थे जी, तो मेरा ये मानना है तब तक भी नैनीताल के 2 जन्म हो चुके थे, एक नैनीताल का जन्म जो बदला मेरे ख्याल में वो तब बदला जब 62 की लड़ाई के बाद नए जिले बने, पिथौरागढ़ का सीमांती सरहद महत्व का सामरिक महत्व का अल्मोड़ा टूटा, और नैनीताल जिले का कुछ हिस्सा तब उसका मतलब ये मान लीजिए कि उसका रसभंग हुआ, जब उत्तर प्रदेश की राजधानी ग्रीष्मकालीन होना उसका बंद हो गया,
और फिर नैनीताल में वो लोग आने लगे जो सुविधा आसानी से हल्द्वानी से आने वाले को मिलती थी, तराई से आने वाले को मिलती थी। तो फिर लोग रात दो रात बिताकर नैनीताल से लौटने लगे। और मुझे लगता है कि मेरा बचपन जिस नैनीताल में बीता है 59 से लेकर 65 तक, वो नैनीताल था जिसमें लंगम हाउस हॉस्टल में जहाँ मैं रहता था वो विधानसभा के विधायकों का अतिथिगृह था। तो वहाँ जो छात्र पढ़ने जब रहते थे तो एक कमरे के साथ जुड़ा हुआ शौचालय था, स्नानागार था, चार कमरों के बीच में एक सेवक भृत्य होता था, कमरे कारपेटेड थे और आप इतनी अय्याशी से वहाँ रहते थे 8 रुपये प्रतिमाह के छात्रावास के किराए पर। तो वो दिन नैनीताल के मेरे ख्याल में अच्छे दिनों का अंतिम चरण था, जब बैंड हाउस में कैप्टन राम सिंह जो आजाद हिंद सेना के साथ जुड़े थे, जिन्होंने वो घूमी आयु नरेला नैनीताला नैनीताला वाला वो गाना गा बजाते थे, कभी कम सितंबर की फरमाइश होती थी, मगर ये नैनीताल का जो एंथम था वो अंत में बजाया जाता था हर वर्ष लगभग हर शाम बैंड हाउस में। और कैप्टन सिनेमा दिखाया करता था, चौधरी 20 साल पर आलू के गुटके और हाथ से छोटी कॉफी पिलाया करते थे। तो ये जो होटल आज प्रचलित है, अलका वगैरह तब खुले ही खुले थे और जी फिल्मों की शूटिंग हो रही थी, वक्त की कटी पतंग, कटी पतंग की, भीगी रात की, जी उबरा की, वो मशहूर गाना वहाँ शूट हुआ है वो जमाने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग बिल्कुल संग चलें गंगा की लहरें। बिल्कुल। और वो जो बोट हाउस बड़े बड़े बजरे पर जी नाच वक्त का वो वाला है, और फिर चलो एक बार फिर से अजनबी हो जाए हम लोगों को गुमराह का है और तुम चली जाओगी परछाइयां रह जाएंगी, वो ऊपर लाल टट्टी के ऊपर गाया हुआ है। तो वो सारी जी घटनाएं आदमी के अपने एक लड़कपन के स्मृतियों की पोटली का हिस्सा। तो सबका बिल्कुल नहीं पता है, सबका नहीं पता कि हमारे हाँ यहाँ के बड़े सख्त से शिवाजी जी के प्रति उनका कहना था कि बाकी सब ठीक है, अभी मुझसे तुम्हारी रेख काली हुई नहीं है, 5 का 4 बजे तो तुम लोग घर का रास्ता कर लिया करो तरफ से। तो मन मार कर अनुशासन को कोसते हम लोग चलते थे और अयार पाटा वाले अपने घर में पहुंच जाते थे। अब तो अयार पाटा यार पाटा तो इतना ऊपर घर, बहुत चढ़ाई चढ़ते थे। शरावती से ऊपर काशीराम काशीपुर हाउस के ऊपर, फिर जाकर वो अर्गस फोर्ट के ऊपर, कोक्स विला के ऊपर जाके मिलता था। तो उसके जी ऊपर अच्छा मकान बचा है जो रूप शाह का मकान है, सकन लॉज, जहाँ फूल भी वैसे ही है, बंगला भी वैसा ही है, नीचे धामपुर वाले की कोठी थी, राजा भार्गव की कोठी थी। तो फिर वहां से फिर आपको नैनीताल चीना पीक नजर आता था, कैनल्स बैक नजर आता था, शेर का डंडा भी नजर आता था, बिरला स्कूल नजर आता था। तो मुझे लगता है कि वो सारी यादें उस नैनीताल की हैं जो पूरी तरह से अंग्रेजों की ऐशगाह नहीं रह गया था, आजादी का असर वहाँ होने लगा था, नौकर शाह लखनऊ से आते थे मगर दुकानें वही थी, कोहली ब्रदर्स, रामलाल ब्रदर्स, मॉडर्न बुक डिपो, ये सारी दुकानें लखनऊ में भी आपको मिलती थी, अलीगढ़ डेयरी सेंटर के भी पास नैनीताल भी वहाँ थी, मगर उसके बाद जब तक आप वहाँ पहुंचे तब तक क्षमा करें मेरे ख्याल में वो नैनीताल हमारा नैनीताल नहीं रह गया। लेकिन फिर भी मुझे लगता है हम वो उस कस्ब पे थे, क्योंकि बैंडस्टैंड में संगीत रात शाम को होता था और बैंडस्टैंड उस वक्त तक पहुंचना, मुझे याद है वो लाल ड्रेस पहनते थे बहुत बड़ा, हम तलीताल में रहते थे ये GGIC स्कूल के पास, तो वहाँ जी जी हाँ तो वहाँ से जाना एक, कि इतना टाइम से पहुंचना एक आकर्षण होता था। कैपिटल सिनेमा तब चलता था, रिंक हॉल स्केटिंग होती थी, और तो आई थिंक वो एक एक युग का अंत हो रहा था धीरे धीरे, जो आपके वक्त में अपने उफान पर था, पर हमारा मतलब जाहिर सी बात है मेरा नॉस्टैल्जिया और आपका नॉस्टैल्जिया अलग है, लेकिन थोड़ा सिमिलर टोन का है, सिमिलर रंगों का है, पर अब ऑब्वियसली हम नहीं जुड़ते हैं उस नैनीताल से। मैं उसी पे आने वाला था, नमिता जी की किताब पे, जी जी हाँ उसके बारे में बात करते हैं। उसमें ये जादू है, उसका अनुवाद करने का सौभाग्य मुझे मिला, राग पहाड़ी में इतिहास और मिथक गड्ढमड्ड हो जाते हैं और ये जो दशक है वो आपस में मिल जाते हैं, तो वो जो स्मृतियां हैं वो एक दूसरे से इस बुरी तरह से मिलती हैं। वो T.S. एलियट की जो पंक्ति है, व्हेन मेमोरीज मिंगल विद डिजायर, वो अप्रैल इज अ कोल्ड मंथ वाला जो किस्सा है,
तो कहीं ना कहीं पहाड़ में मौसम आज भी बदलता है। मुकुल पांडे ने अभी 2 दिन पहले जो सेवानिवृत्त IAS अफसर हैं अपने शेर का नांदा वाले मकान से कुछ फोटो पोस्ट किए हैं कि काकड़ घूम रहा है किलबरी के आसपास में, एक पेंगुइन कहीं नजर आ रहा है, और अनूप साह और अमित शाह तो रोज कर रहे हैं कि नैनीताल नॉस्टैल्जिया में ताल को 7 रंगों में आप देखिए। अब पिछली बार जब मैं नैनीताल गया तो मैंने ताल को देखा ही नहीं, उसका कारण ये था कि मैं एबट्सफोर्ड में रहा और एबट्सफोर्ड से अगर आप चाहें तो आप ताल नहीं देखेंगे, आप ताल देखने की कोशिश ना करें, हरियाली देखें, चीना चोटी देखें और वो चुंगी देखें और किलबरी का जंगल देखें और उसी रास्ते लौट जाएं जिस रास्ते आप आए थे खुरपाताल के रास्ते। मगर सूर्योदय और सूर्यास्त के जो चित्र अनूप आज भी पोस्ट करते हैं, अमित पोस्ट करते हैं या नैनवाल पोस्ट करते हैं, लगता है कहीं कुछ बदला नहीं है, फूल अब भी खिल रहे हैं, फूल अब भी झड़ रहे हैं। और पहाड़ के बारे में वो जो है कि आप पहाड़ से बाहर आ जाते हैं मगर पहाड़ को आप अपने हाड़ मांस मज्जा रक्त से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो वो तो आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जिसने पहाड़ का अंश मात्र भी चखा है कौमारे में, लड़कपन में, यौवन में, तो जरूरी नहीं कि आपने प्रेम वहाँ किया हो, ये भी जरूरी नहीं कि प्रेम ध्वस्त वहाँ हुआ हो, ये भी जरूरी नहीं कि आपने वक्त की चोरी की हो और थोड़ी सजा खाई होगी, आप समय से छात्रावास नहीं पहुंचे, घर नहीं पहुंचे, मगर वो जो चोरी की मिट्टी कहने का सुख है वो तो है। मगर नमिता की किताब अद्भुत है क्योंकि उस किताब में पहाड़ की जो यादें हैं वो जो कुछ आप पढ़ते हैं वो भी है, यशपाल के 12 घंटे भी आपको याद आती है, बादलों के घेरे भवैली के टीवी सेटोरियम के कृष्णा सुमित जी की भी याद आती है, उसमें कहीं ना कहीं आपको विक्टर मोहन जोशी भी याद आते हैं, विवेकानंद के प्रवचन भी याद आते हैं, फुलधोतिया नंदोतिया ब्राह्मणों का वर्ण संघर्ष भी याद आता है, ईसाइयों द्वारा द्विज बनाया जाना जोशी जी के सुपुत्र का वह भी आता है, घटशास्त्र की कहानी आती है तो आपको अनंतमूर्ति का संस्कार भी याद आने लगता है। तो वो जो परंपरा और आधुनिकता का द्वंद्व है, जो आज़ादी की लड़ाई में पहाड़ के कुलीन वर्ग का 2 फाड़ होने का तत्व है, कुछ आज़ादी की लड़ाई लड़े, कुछ अंग्रेजों के पिट्ठू बने, और हमारे परिवार में दोनों तरह के लोग ननिहाल और दोनों जगह से थे, तो पिता मेरे अंग्रेजों की गुलामी करते थे, उनकी नौकरी कर रहे थे, और छोटे चाचा किशोरावस्था में 42 में भाग लेकर जेल चले गए थे और आजीवन खद्दरधारी क्रांतिकारी कांग्रेसी बने रहे। आज तो क्रांतिकारी कांग्रेसी कहना एक विचित्र बात लग सकती है, मगर मुझे लगता है कि नमिता की इस किताब में पहाड़ की यादें आप जरूर पढ़ें, आपने पढ़ी होगी पुस्तक? जी मैंने पढ़ी है, मैंने उसका अंग्रेजी मूल पढ़ा है, मैं हिंदी आपका रूपांतर जरूर पढ़ना चाहूँ जी। पढ़ा है तो आपने पढ़ किया, तो मुझे लगता है कि हिंदी में उतना न्याय उस किताब के साथ में नहीं कर पाया जो मुझे ख्याल करना चाहिए था, मगर मुझे उस किताब को पढ़ते वक्त बहुत मर्मस्पर्शी अनुभव हुए। मुझे लगा कि हाँ ये कहानी तो माँ उस परिवार के उस लड़के के बारे में सुनाती थी, तो जान भाई पहचानी सी लगी। हाँ संयोग कुछ ऐसा था कि पहचानी नहीं, अपनी कहानी, अपने घर की कहानी, कि हमारे ननिहाल वालों का जो घर था सड़क पार, उसके सामने नॉर्मन पंत जी का घर था, जो नॉर्मन पंत जी कुलीन ब्राह्मण थे, ईसाई बने थे, उनकी बहन की शादी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान से हुई थी, जिनकी बाद में हत्या हुई, वो सिर्फ बीबी से सुना करते थे। तो ये जो इस तरह के कुछ लोग अल्मोड़े के थे, जिनका उल्लेख वो लंदन मिशन का अमेरिका का होना, चर्च वहाँ बनना, तो जो अल्मोड़ा शहर का भूगोल है कि कहाँ गिरजाघर है, कहाँ मंदिर हैं, कहाँ स्कूल हैं, कहाँ हम लोगों के पुश्तैनी मकान थे, किसके घर में क्या मतलब ऐसा बदनामी वाला कांड हुआ था जिसे छुपाया गया, वो सारी थोड़ा नाम भेद के साथ इस उपन्यास नुमा छोटी सी कृति में है, जो पहाड़ की यादों को मेरे ख्याल में 1857 से प्रथम विश्व युद्ध के अंत तक ले आती है, और जो आपका व्यक्तिगत स्मृति का संसार नहीं होता मगर आपने सुना होता है कि नानी की कहानी थी, परदादा के बारे में कहानी थी, नानी अपने ससुर के बारे में ये कहती थी जो पीढ़ी पहले जाता था, तो वो सारी बातें मुझे लगता है। और वो पहाड़ सिर्फ अल्मोड़ा नैनीताल ब्राह्मणों ठाकुरों का पहाड़ नहीं है, उसमें उन ब्राह्मणों की नेपाल यात्रा भी है, वहाँ एक रक्षिता महिला के साथ रखेल के साथ उनका जीवन यापन भी है, किसी भूगर्भ शास्त्री का लद्दाख तक जाना और वहाँ भी एक महिला के साथ रमण भी है, फिर काठमांडू दरबार से कुछ मुद्राएं लेकर वापस लौटने का अभियान भी है, कहीं एक आदमी का बम्बई जाना भी है, उसमें पारसी मित्र के संग रहना भी है, एक ईसाई महिला के साथ भी यौन संबंध स्थापित करना है, तो वो सारी जो उसमें इंद्रियता है कि पहाड़ भी है, पहाड़ का बाहरी दुनिया से संपर्क भी है, आध्यात्म भी है, यंत्र मंत्र तंत्र भी है, और धर्म अर्थ काम मोक्ष सब है। क्या अभी हम जो बात कर रहे थे और आज आज का जो समय है जब लोग आराम
जल्दी से नाराज़ हो जाते हैं और आइडेंटिटी को लेकर अक्सर नाराज़ हो जाते हैं। और आपने जो अभी तक बताया मुझे, कभी हमने किसी परिवार के कन्वर्जन की बात की, कभी एक परिवार में दो तरह के लोगों की बात की, कम्युनिटीज़ की बात की, और कितनी सहजता से, क्योंकि ऐसा ही तो जीवन है, ऐसा ही वर्ल्ड व्यू है, और हम उसकी जो एक्सेप्टेंस है, मतलब मेरी नानी के जो दो बेस्ट फ्रेंड्स हुआ कर, तब सेक्युलरिज्म शब्द ईजाद नहीं हुआ था, लेकिन उनकी जो सबसे दो प्यारी सहेलियां थीं, एक उन क्रिश्चियन फैमिली थी, उनको हम मामा कहते थे, और एक अप्पी थी, उनको कहते थे, वो मुस्लिम फैमिली थी, बस बगल बगल में ऑलमोस्ट एक दो घर छोड़ के। और नानी स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन ब्राह्मण फैमिली, और ये एक्सेप्टेड था कि जब वो वहाँ जाती थी मुस्लिम फैमिली में, तो चूंकि वो नॉन वेजिटेरियन थे तो वहाँ पानी नहीं पीती थी, वो किसी ऐसे है उसके कारण नहीं, लेकिन एक ठीक था वो नहीं नॉन। और लेकिन सबसे ज़्यादा राज उनकी इन दोनों सहेलियों को पता होते थे, उनके जो उनके अपने पति को, मेरे नाना को भी शायद नहीं पता होते थे। और ऐसे ही हम बड़े हुए, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, यही हिंदुस्तान रहा है, यही हमारा रहना, हमारे मोहल्ले रहे हैं। पहाड़ जो था, ख़ासकर मैं जब मैं वहाँ बड़ा हुआ, तो वो हम भी जब टूरिस्ट आते थे ना, बड़े परेशान और झुंझला जाते थे, जैसे पहाड़ी लोग झुंझलाते हैं, वैसे ही, हालांकि हम कोट एंड कोट आउटसाइडर्स थे, लेकिन पहाड़ में, जब मैं लखनऊ में होता था तो मैं कहता था मैं पहाड़ी हूँ, और जब मैं नैनीताल में होता था तो मैं कहता था मैं लखनऊ से हूँ, तो वो एक ड्यूअल आइडेंटिटी सी थी। पर एक जो 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 सरलता थी और जो एक्सेप्टेंस मुझे लगता है थी, जब DSB में था और लड़के लड़कियां आपस में दोस्ती करते थे या मिलते थे, वो बहुत नॉर्मल था। लेकिन जब लखनऊ में गया मैं और कई यूनिवर्सिटी के किस्से सुने कि बड़ी आपत्ति होती थी कि भाई, तो कुछ ऐसा मिजाज पहाड़ का है क्या, और बहुत से और पहाड़ के लोग हमारे शो से रिलेट करेंगे जो और देशों के देश के पहाड़ के हिस्सों में रहते हैं। Is it something about the mountains? Is it something about the hills? जो बात आप कह रहे हैं वो तो अपनी जगह पर बिल्कुल सोलो आना सच है, क्योंकि पहाड़ का माहौल कुछ वहाँ की परिस्थिति ऐसी है, यदि आप अपने को अलग रखने की कोशिश करते हैं, अपनी पहचान अलग बनाते हैं, तो आपका जीवन यापन सुखद हो ही नहीं सकता। आप गांव में रहते हैं, पति या आपके भाई या बेटे बाहर नौकरी करने मैदानों में गए हैं, पत्नी अकेली है या घर की औरतें अकेली, जो पानी भर के लाने वाला है उसकी जात के बारे में यदि आपको हट होगा तो आप प्यासे मर जाएंगे। तो आप वो भले ही असवर्ण हो, उसको कक्का कक्का कहेंगे, वो आपकी दहलीज में बैठेगा। जो आपने नानी के बारे में कहा, खाने के बर्तन अलग होंगे, वो ओक लगा के पानी पी लेगा, मगर उसका लाया पानी पीने में आपको छुआछूत बरतना आत्मघातक ही सिद्ध हो सकता है। एक पक्ष तो ये है। दूसरा पक्ष जात के अलावा है कि 5 घरों की बाखली है, उसमें अगर आपसी सद्भाव आपने बनाकर नहीं रखा तो रोग शोक विपत्ति के वक्त कभी भी आपका साथ देने वाला कोई नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि दूर दराज गांवों में जहां मोटर नहीं पहुंचती थी, जहां पुरुष कम रहते थे, आशीष बोस ने अपने बड़े प्रसिद्ध लेख का शीर्षक ही रखा था उसके बारे में, विमेन विदाउट मेन, जो हेमिंग्वे की कहानी से प्रेरित है, तो कहीं ना कहीं वो पारिवारिक आत्मीयता होनी जरूरी थी परिवार के सदस्यों से बाहर भी। और जहाँ तक परिवार के सदस्य हैं, उन्हें निभाना ही होता था कि वो जेल से आए थे, उसके बाद पुलिस वाला भी आएगा, कुछ खुफिया एक्सचेंज भी करेगा। पिताजी को भी निश्चित रूप से छोटे भाई के घर आने पर थोड़ा कष्ट होता होगा, उनके जो वकील मामा थे जो अल्मोड़ा में थे उनको तो और भी ज़्यादा कष्ट होता होगा, इसीलिए चाचा अक्सर पिता के साथ रहते थे। अगर पिता चूंकि डॉक्टर थे, प्रभावशाली थे, रोगियों का इलाज करते थे, 30-40 मील के इलाके में दूसरा कोई आधुनिक डॉक्टर था नहीं, तो वो उसका प्रबंध कर लेते थे कि वो उनसे भी जो तफ्तीश हो रही है वो भी संतोषपूर्ण रूप से निपट जाए। वहाँ थानेदार होता नहीं था, पटवारी होता था, वो घर आके पूछताछ करके पूछताछ पूरी करके चला जाता था। मगर पहाड़ों में वास्तव में ऐसा कुछ है, क्योंकि या तो देखिए पहाड़ बहुत ही भयावह है, वो इतने ऊंचे हैं कि आप उनके सामने बौने हो जाते हैं, ऐसी घाटियां हैं जहां 1:30-2 बजे के बाद धूप नहीं पड़ती है। लोग मुझे बड़े शौक से पातालकोट दिखाने ले गए छत्तीसगढ़ में,
और जब मैंने झांक के नीचे देखा तो वहां तो कुछ था ही नहीं, 5 मिनट तक धूप जा ही रही थी। मैंने कहा ये तो, मैंने कहा ऐसा तो अगर आप हमारी तरफ आ जाए तो पिथौरागढ़ लोहा घाट में हजारों मीटर नीचे वो गाँव है जहाँ 11 बजे तक धूप पहुँचती है, 2 बजे तक खत्म हो जाती है। तो जो वो अवसाद होता है ऐसी जगहों में कि आप पहाड़ में, और जब मौसम खराब हो गया, मौसम बहुत खराब हो गया, भूस्खलन हो गया, बादल फट गया, मलबा आ गया, गांव दब गया, कर्मी दब गई, मालपा दब गया, दरमियान सूना हो गया, ये सब मेरे बचपन के दिनों की बात है। मगर आपको याद होगा पाइंस के पास जो भूस्खलन होता था बड़ी मुश्किल से उस पर काबू पाया गया, रातीघाट कैंची के पास जो भूस्खलन होता था, तो ये सारी चीजें जो चीरचक्कर के पास होता था, तो वो सारी घटनाएं ऐसी थी। जूलीकोट गेठिया के पास होता था, बीरभट्टी के नीचे होता था, तो वो भूस्खलन आज से नहीं 150 साल पहले से आदमी उसके साथ रह रहा था। फिर नमिता ने ये वर्णन किया है उस राग पहाड़ी में कि ये प्राकृतिक आपदाएं हमारे जीवन का हिस्सा थी, तो हमको वर्तमान में अपने उन तमाम संबंधों को सहेज के रखना होता था, पता नहीं कौन कब हमारा अपना और सगा हो। तो ये मुझे लगता है कि पहाड़ों की कृपा है, और जो पहाड़ों का सुखद पक्ष है वो अपनी जगह पर इस रिश्ते को थोड़ा मजबूत करता था कि खाने को भरपेट है। आपने पहाड़ में किसी का कच्चा मकान नहीं देखा होगा, पैबंद लगे कपड़े होंगे मगर नंगे तन लंगोटी बांधे फिरने वाला कोई सिरफिरा पगला होगा तो वही देखा होगा, वरना फटे पुराने कपड़े भी सबके पास होंगे, कंबल भिक्षा मांगते नहीं देखा। हाँ, भिक्षावृत्ति नहीं होगी, और अब आप देख सकते हैं भिक्षावृत्ति, आप देख सकते हैं बिल्कुल, अब आप पढ़े लिखो तो भिक्षावृत्ति करके देख सकते हैं, एनजीओ चलाने के लिए इसका बड़ा हिस्सा उनके पास ही रहेगा। मगर कुल मिलाकर मुझे लगता है कि पहाड़ का सुखद सौंदर्य वाला पक्ष और दुखद आपदा वाला पक्ष दोनों ही इस पारिवारिक रिश्ते को आत्मीयता को पुष्ट करते हैं। कुछ लोगों की यादें होंगी रोचक, तब से उन लोगों से मिलवाइए ना हमको। देखिए, एक तो जो मुझे बार बार याद आते हैं वो अपने गुरु रमेश चंद्र शाह याद आते हैं। वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट थे, अल्मोड़ा से फर्स्ट क्लास करके गए थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, पता नहीं किस कारणवश इलाहाबाद बीएससी में उनका फर्स्ट क्लास नहीं आया, वो निराश होकर घर अल्मोड़ा लौट आए, और अल्मोड़ा लौट आए तो लोगों ने कहा बड़े नालायक हो, कहाँ गए थे नाम कमाने और क्या करने आओ, जाओ कुछ करने कर नहीं जाओ। तो मुक्तेश्वर के स्कूल में गणित के अध्यापक के रूप में आ गए, और अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, माँ से बंगाली पढ़ते थे, माँ से संस्कृत पढ़ते थे, और हम लोगों का मार्गदर्शन गणित भौतिक शास्त्र आदि में कराते थे। कुछ दिन बाद उनका कोई प्रणय प्रसंग मुक्तेश्वर में हुआ और वो मुक्तेश्वर छोड़कर बाहर चले गए। उसके बाद उन्होंने निजी पढ़ाई की, अंग्रेजी के प्राध्यापक बने, बड़े समर्थ कवि, आलोचक, लेखक, यात्रा वृत्तांत लेखक बने, साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी उन्हें मिल चुका है, पद्मश्री से भी वो सम्मानित हो चुके हैं, अनेक भाषाओं में उनके उपन्यास भी अनुवादित हो चुके हैं। मेरे साथ उनका एक स्नेह का नाता तब से आज तक बना हुआ है कि उनकी कोई रचना मैं पढ़ना छोड़ता नहीं हूँ, और कभी कभार झगड़ा उनसे होता है कि तुमने मेरी जो बच्चों के लिए कहानियां लिखी थी उनके अनुवाद पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो वो लगभग 80 वर्ष की अब हैं, तो उनके साथ मुक्तेश्वर से आज तक निरंतर बना हुआ है। दूसरे जो मित्र हैं जो पहाड़ की जो विशद जानकारी जिनके, वो शेखर पाठक हैं। एक दिन घूमते फिरते मेरे हिस्ट्री के टीचर हैं, ये आपके टीचर रहे होंगे, वो 74 के दिन एक दिन पिछू उठाए भवानी में आ गए जहाँ मेरे पिताजी पेंशन याफ्ता जिंदगी बसर कर रहे थे। उन्होंने कहा आप ही पुष्प हिंदा है, मैं आपसे मिलने आया हूँ, मैं आपके साथ शोध करना चाहता हूँ। उन्होंने अपना शोध मेरे साथ शुरू किया, पूरा मेरे साथ नहीं किया, कुछ कानूनी अड़चने थी जो मेरे पास 6 छात्र पहले से काम कर रहे थे, तो उन्होंने काम शाकंभरी जी द्विवेदी जो मेरी गुरु कभी रही थी उनके साथ किया। मगर उनके साथ मेरी पहाड़ की इतनी यात्रा है कि उनकी यादगारी में तो मैं साथ नहीं दे पाया, मगर पहाड़ के बारे में जितना उनकी रुचि, कस्बा, देहात, जाति, भू राजनीति, और कभी कभार झगड़ा ये होता है कि वो पहाड़ की पोटली में, होल्ड ऑल में सब कुछ फिट कर लेना चाहते हैं, कि रॉकी माउंटेन्स भी फिट करना चाहते हैं, एल्प्स भी फिट करना चाहते हैं, एंडीज भी फिट करना चाहते हैं, और फिर जाहिर है हमारा पहाड़ तो उसमें आता ही आता है। तो कभी कभार उससे झगड़ा इस बात को लेकर होता रहता है, मतभेद बड़ा प्रिय, कि भैया अपने पहाड़ को पहाड़ी रहें तो यहीं तक सीमित रखें, और थोड़ा उनका जो प्रगतिशील जज्बा है वो कभी कभी हावी हो जाता है कि हर चीज़ जनसंघर्ष से जुड़ जाती है, और शायद जुड़नी भी चाहिए। मगर दुर्भाग्य से मेरे जो अन्य गुरु लोग हैं, अशोक सेक्सरिया जी जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन बहुत किया, हिंदी के समर्थ लेखक होते यदि वो उन्होंने लिखना बंद नहीं किया होता, और कमलेश जो मेरे मित्र थे, मित्र तो नहीं कहना चाहिए, अग्रज थे, कवि थे, उनसे शिवानी जी की यहाँ मुलाकात संयोगवश नैनीताल में ही हुई थी 63 साल पहले। तो वो सारी चीज़ें वो हैं, जैसे कुंवर नारायण जी की कविता जो भीमताल नौकुचियाताल वाली है उसकी ओर मेरा ध्यान
कमलेश जी ने दिलाया, ठेले पर हिमालय जो धर्मवीर भारती जी का है उसकी ओर उनका ध्यान दिलाया, बड़थवाल जी की कविताओं की ओर मुझको मेरे हमारे पहाड़ी प्यारे हैं, हमको तो हमारे पहाड़ी प्यारे हैं कविता कितने सारे फूल खिले उन्हीं ने याद दिलाई। तो मुझे लगता है कि और लोग याद आते हैं, मोहन उप्रेती जी याद आते हैं, उनका भांजा हिमांशु याद आता है कि मोहन उप्रेती जी की जो टोली थी जो 50 के दशक के अंत में थी, सक्रिय टोली इप्टा वालों के अल्मोड़े में, हाँ हम एक नया इंसान बनाएंगे, हम धरती के भाग जगाएंगे, जिसके एक अंश मनोज श्याम जोशी जी भी थे जो भी मुक्तेश्वर स्कूल में अल्पकालीन शिक्षक रहे, ये सारे लोग ज़्यादा देर पहाड़ में नहीं रहे मगर पहाड़ से बाहर आ गए, मगर पहाड़ इनमें रचा बसा रहा। तो जो पर्वतीय कला केंद्र था उसका सफल संचालन दिल्ली में मोहनदा करते थे और मोहनदा की विरासत को अक्षत रख के हिमांशु जोशी जो ओशन बैंड भी चलाते हैं और फिल्मों में खान जैसी फिल्मों में संगीत भी देते हैं, मगर इन लोगों के साथ नाता जुड़ा रहा। नमिता का परिवार है उसके साथ नाता जुड़ा रहा है, वो संबंधी भी हैं। नमिता की माता श्री के पिताश्री मेरे माँ के चाचाजाद भाई थे, मामाजाद भाई थे, और उनकी जो नानी हैं वो मेरे पिताजी की मेरी बहन थी। तो वो कुछ रिश्ते इतने उलझे हुए हैं पहाड़ में कि, और इनके साथ जब मैं पहली बार दिल्ली आया तो इन्हीं के घर में राजेंद्र प्रसाद रोड में रहा था, और जिस साल भारत पाकिस्तान का दूसरा युद्ध 1965 वाला हुआ, और उसके बाद फिर इनके साथ निरंतर पहाड़ की चर्चा भी होती रहती है। पहाड़ में उनका भी जैसे राजा का प्राण सुग्गे में बसता था, मेरे घर में नमिता और मेरे दोनों के प्राण सुग्गे में बसते हैं। मृणाल के साथ बचपन बीता है उनके घर में शिवानी के साथ प्रायरी में, अब मृणाल भी पहाड़ से बाहर ही चली गई, इलाहाबाद पढ़ने चली गई, मगर उसके बाद भी वो उनकी छोटी बहन मीरा हो या नमिता की एक और किताब है माउंटेन ईको जिसमें शिवानी का उल्लेख है, मीरा की सासी का उल्लेख है, उनकी अपनी नानी का उल्लेख है, तो और तारा पांडे जी का उल्लेख है जो कमलदा यानी कैबिनेट सेक्रेटरी थे, उनकी माता जी का उल्लेख है। तो इन महिलाओं के जरिए जो पहाड़ का अक्ष प्रकट होता है वो नाता आपका टूटता नहीं, आपको याद आता है। अरे ये कहानी तो पहले पहले मैंने सब सुनी थी जब मौसी से डॉक्टर डलवाने को भिजवा रही थी मोहनिया से, जैसे भेजते धारावाहिक के रूप में ये उस उनकी कुछ कहानियां उस जमाने में उपन्यास दर्ज हो सकती है, तो आपको वो चीजें फिर याद आने लगती है। तो वो नाता आपका लोगों से टूटता नहीं है कि वो लोग भले शायद पहाड़ पे ना हो। अब मैं आपको बड़ा किसी प्रश्न में बताऊँ कि अभिषेक मनु सिंघवी जी से जब मेरी मुलाकात हुई तो बातों में बात निकली तो मैंने कहा तो आपके पिताजी शायद, हाँ मगर लक्ष्मीमल सिंघवी जी ने एक पत्रिका निकाली थी जोधपुर से जिसका नाम था लहर, तब तक वो राजनीति में नहीं आए थे, निर्दलीय लोकसभा के सदस्य भी नहीं आए थे, लहर की शिवानी जी को प्राइवी लॉज में नैनीताल में भेजी थी। तो मैंने कहा मैं आपके पिताश्री से तब से परिचित हूँ जब से वो सार्वजनिक जीवन में सक्रिय नहीं थे, लोकसभा के निर्दलीय सदस्य नहीं हुए थे, और वो तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो मुझे लगता है कई लोगों के साथ आपके जो नाते जुड़े हैं वो ऐसे जुड़े हैं कि उन्होंने पहाड़ में नाता जोड़ा था या शिवानी से या मेरी माता जी से, मेरे माता जी प्रसाद जी थे तो उनके गुरु भाई नामवर जी थे, तो वो उनका एक रिश्ता था। माता जी चीनी पढ़ती थी तो उनके गुरु प्रोफेसर टांग जून शान थे चीना भवन में, जिनके लड़के जेएनयू में चीनी के प्रोफेसर थे प्रोफेसर टांग जूनियर। तो ये कई चीजें फिर ऐसी होती थी कि कपिला जी उनसे कुछ वर्ष कनिष्ठ थी शांति निकेतन में, मृणाल जी सारा भाई उनकी सहपाठनी थी, तो संयोगवश जब भी मुलाकातें होती थी कभी शंकुदास से कभी गया अप्पा स्वामी से तो तत्काल ये पता था, वो रिश्ता एकदम बन जाता था। अच्छा तुम जयंती के बेटे हो, अच्छा तुम त्रिवी के भांजे हो, अच्छा तुमने शिवानी के साथ रहकर पढ़ा है, तो वो नाते पहाड़ के पहाड़ की यादों के साथ जुड़े हैं। क्योंकि वो लोग जब पहाड़ आते थे वो कमलेश जी शेडी ग्रोव में खाना खाया करते थे, बड़े अभिजात संस्कार की व्यक्ति थे। अब शेडी ग्रोव में जूतों की और ऊनी कपड़ों की बारिश लगती है, वो रेस्टोरेंट तबाह हो गया है, बोट हाउस क्लब का तो जो हुआ सो हुआ, और एक तरह से अच्छा हुआ कि जो भूरे साहबों का क्लब था वो अब अधिक जनतांत्रिक हो गया है, मगर वो जो उसका एक हेरिटेज प्रॉपर्टी वाला आकर्षण था वो अब पहाड़ के खाने के बारे में बताइए, जो लोग बहुत से हैं देश के अलग अलग हिस्सों में एंजॉय भी करते होंगे और नया कुछ सीखने को भी मिलेगा उन्हें। नहीं देखिए नया कुछ सीखने को नहीं मिल सकता है, पर पहाड़ के खाने के दो तत्व हैं जो लोगों को आज बहुत याद आ रहे हैं कि आज जब आप घर में बंद हैं तो आपको इम्यूनिटी बढ़ाने वाले खाने, प्रतिरोध रोग की प्रतिरोधक क्षमता वाले खानों की याद आ रही है, आपको सुपर फूड्स की याद आ रही है। और यदि आप हृदय रोग न करें, ईश्वर हृदय रोग से पीड़ित हैं, मधुमेह से पीड़ित हैं, रक्तचाप से पीड़ित हैं, कैंसर की संभावना है, तो आप ऐसे खाने नहीं खाना चाहते जिनसे ये जो पूर्व प्रवृत्तियाँ हैं बढ़ें। तो उसमें पहाड़ के खाने बड़े अद्भुत हैं। जो मोटा अनाज है वो मडुआ हो जो रागी का समकक्ष है, या गहत की दाल हो जो गुर्दे की और पित्ती की पथरी को तोड़ती है, ये प्रमाणिक
प्रयोगशाला में सिद्ध है, या आप भट खा रहे हैं जो सोयाबीन का प्रोटीन है, तो या आप खाने में ऐसी चीजों का प्रयोग कर रहे हैं जो ज्यादा रिफाइंड नहीं है, वो चीनी नहीं है, नमक नहीं है, तो उसमें जो चीजें आज एकाएक लोग पहचानने लगे हैं, मुझे लगता है एक तो उसकी संभावना बहुत है। भांगे की चटनी, यानी भांगे की चटनी की देखिए लोगों को भांग याद आता है तो दूसरे कारण से, सिद्धू की बूटी के कारण से, मगर वो अतर की गट्टी है वो तो पत्तों का पता है, जो भांग का बीज है उसको वो अल्कोहलाइड होते नहीं जिससे नजर हो, तो भांग की चटनी वो मुफ्त हुई बदनाम शिला वाला चक्कर है, मगर मुझे लगता है कि भांग की चटनी में जो अंग्रेजी मुहावरे में नटी स्वाद होता है कि मेवों का जैसा जो अखरोट बादाम वाला वो होता है और एक खस्तगी होती है और वो एक तरह का ऑयल सीड है तो उसमें चिकनाई भी होती है, तो भांग की खटाई अपनी जगह पर ठीक है, मगर भांग को पीस कर यदि आप मसाले की तरह इस्तेमाल करें और उससे आप बंडा बनाएं जिसे पहाड़ में गंडेरी कहते हैं, तो उसका जायका कुछ और ही होता है, वो चटनी से ज्यादा वो मसाले के रूप में जैसे पोस्तों का मसाला होता है बंगाल में, भटका एक दुबका होता है वो खिलाता है जब पहाड़ में नमक धक्का भाव हो गया था किसी कारण, तो उसमें नमक नहीं पड़ता, आप अलग से पलियों के साथ पीली कढ़ी के साथ उसे खाते हैं, और या फिर आप आलू के गुटके हैं जो खटलाजी ब्राह्मणों का भोजन है जिसमें धुमार लहसुन का नहीं हो सकता, तो तिब्बती घास जम्बू का होता है जिसमें वही सल्फाइड्स होते हैं जो लहसुन के होते हैं, जो मारवाड़ी लोग जिनकी खोज ही में करते हैं, और गढ़वाल में यदि आप हैं तो उसकी जगह जथिए का प्रयोग करते हैं, तो ये जो चीज़ें थी, और या और अगर आप मांसाहारी हैं तो आपने सुख उठाया होगा निश्चित रूप से, जो भूटांतिक लोग खाते हैं सुखाया हुआ मांस, चौदास जोहार ब्यास की घाटियों में मुंशारी से लाया हुआ, वो धूप में धुएं में सुखाया हुआ मांस होता है और फिर उसे पकाया जाता है और उसको शोरबे के साथ खाया जाता है, और वहीं याक जैसी चर्बी की पनीर की चुरबी भी होती है जो आप लद्दाख में भी खाते हैं और अरुणाचल में भी खाते हैं, तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तराई में आप थारू बोक्सा आदिवासियों का खाना खा सकते हैं, उसके बाद जब आप चढ़ते हैं तो घाटियों में आप जहाँ चावल उगता है चावल खाते हैं, जहाँ चावल नहीं उगता वहाँ मंडुआ खाते हैं, और पहाड़ में पहले चूंकि मोटर मार्ग नहीं था तो मौसमी सब्जियां खाई जाती थी, तो आप पालक की कफूली खाते थे, आप सिंगूड़ा बिच्छू बूटी की सब्जी खाते थे, तो उसके बारे में बड़ा आजकल आकर्षण है लोगों को, सिंगूड़े की सब्जी सुनकर पता लगता है बिच्छू बूटी की, मगर जापानी लोगों का ये मानना है कि जो उनके एक बड़े बौद्ध दार्शनिक थे उन्होंने इसी से अपना 40 दिन का उपवास निभाया था निरारपा ने, और जब उन्होंने जांच की तो पता चला कि इसमें रफेज भी है, प्रोटीन भी है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी है, 40 दिन तक सिर्फ इसके सहारे आप जीवित रह सकें या ना रह सकें ये थोड़ा अतिशयोक्ति हो सकती है, मगर इसके पौष्टिक तत्व तो आज प्रमाणित है, तो आप निगुड़े की सब्जी है जिसे आप ढकिया साग कहते हैं जो हिमाचल से लेकर असम तक खाया जाता है, इसका अचार बनाकर सरसों का लोग खाते हैं, और वो फिर तो कुछ बहुत सामान्य चीज़ें हैं, अल्मोड़े की दाल मिठाई, अल्मोड़े की सिंगौड़ी जो आप अपने साथ ले जाते हैं और कहते हैं पहाड़ की सौगात है, मुलुक मुलुक मेवा है, जो लोग जो आपने बिच्छू बूटी की बात की, इसका जो दूसरा प्रयोग होता है उदंड बालकों को, बालकों को उनके नितंबत द्वारे पर भिगा कर शिक्षा झकाना कहते हैं उसे, जिसमें छाले पड़ जाते हैं और बच्चा उम्र भर याद रखता है। बिच्छू बूटी के बगल में जो पत्ती होती है वो उसके पालन पत्ती, अगर आपको कभी अच्छा बिच्छू लगा हो तो वो उस वक्त नहीं क्योंकि पड़ा हो तो आप उसको जी क्योंकि मुझे याद है जैसे हम लोग जब क्रिकेट खेलते थे GGIC में और बॉल चली जाती थी कभी झाड़ियों में और बिच्छू लग गया तो वो तुरंत बगल से वो उसको पत्थर पे हम पीस के और ऐसे कर लेते थे तो वो अच्छा हो जाता था। कुदरत देखिए क्या ज़बरदस्त चीज़ है। कल्चरल पक्ष की अगर बात करें तो क्या आपकी यादें हैं? सारी चीजें उसी पारिवारिक जीवन के साथ जुड़ी हुई थी जिसमें पर्व को लोग सामुदायिक रूप से मिलकर बनाते थे, जैसे आप शादी हो रही तो पिछोड़ा रंगा जाता था, कोई भी आदमी बाजार से रंगा रंगाया पिछोड़ा खरीद कर नहीं लाता था, तो एक पत्ते को पहले हल्दी से रंगा जाता था, फिर उसमें कुमकुम वाली परत चढ़ाई जाती थी, फिर उसमें अठन्नी चवन्नी विक्टोरिया के सिक्के रुमाल की पोटली में बांध कर वृत्ताकार आकार बनाया जाता था, फिर स्वस्तिक चिन्ह बनाए जाते थे, तो एक तो पिछौड़े की रंगाई और छपाई होती थी, फिर ऐसे ही मौकों पर ऐपण लगाए जाते थे जो अल्पना बनाई जाती थी तो वो जमीन पर बनाई जाती थी, वो गेरू से और खड़िया मिट्टी के घोल से बनाई जाती थी,
फिर ऐसे ही पूजा के लिए डिकरे पाथे जाते थे जो पार्थिव देवी देवता मिट्टी के बने होते थे। ऐसे ही फूल देवी का त्योहार होता था जब जो स्थानीय असवर्ण मिस्त्री होता था, कारीगर होता था, बढ़ई होता था, वो काठ के खिलौने बनाकर लाता था, फिरनी बनाकर लाता, फूल देई छम्मा देई, फूल देई छम्मा देई, और जो लोहार होता था, जो ताम्रकार होता था, वो तांबे का काम करता था। तो ये कलाएं उसमें, जैसे आज अगर फैशनेबल आप हैं तो जो काठमांडू का रिपोर्स वर्क है, उस तरह का छपाई का काम भी तांबे का होता था, मगर तौर पर ये शुद्ध उपयोग वाली कला होती थी जिसमें उसका यूटिलिटेरियन पक्ष और एस्थेटिक पक्ष अनायास मिल जाते थे। और यदि पारंपरिक कलाओं की आप बात करें तो आपको प्राचीन मूर्तियां देखने को मिलेंगी जिनको देखकर आपको भ्रम ये होता है कि धातु की है, मगर बनती पौन राजा की मूर्ति जो कचीरियों के समय की गरुड़ में देखने को मिलती है, जो अष्टधातु की लगती है। अष्टधातु की मूर्तियां भी वहां आपको मिलती हैं, नागर शैली के मंदिर मिलते हैं, और ये मूर्तियां चंपावत के मंदिरों में भी मिलती हैं, कपूर घाटी के मंदिरों में भी मिलती हैं, एक हटिया दीवार भी मिलता है, पंचकेदार में भी आपको देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है वो आप शास्त्रीय विधा देखें और लोक शैलियाँ अगर आप देखें, लोक गान की चाँचरी देखें, घोड़े बहरे देखें, वह पहाड़ी रामलीला देखें, वहाँ का चूड़िया नृत्य देखें, और गढ़वाल की पांडवानी देखें, गढ़वाल का रामन्ना देखें, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं कि हमारे पास है औरों के पास नहीं। और जैसा आपने शुरू में कहा, जब आप उसको देखते हैं तो पांडवानी सुनते सुनते आपको छत्तीसगढ़ की पीजन देवी याद आने लगती है, जब आप यहाँ की रामलीला सुनते हैं तो आपको आगा हचर कश्मीरी और भारतीय थिएटर याद आने लगता है। फिर यहाँ जब रामलीला की तालीम होती थी, आपके जमाने में भी होती होगी, तो वो तालीमों के पक्के राग हैं वो नजर आते हैं। जब होली की बैठकें होती हैं तो होली की खड़ी बैठकें और घुमंतू होली की बैठकों में फिर आपको लोकगीत और शास्त्रीय रागों का समन्वय सुनने को मिलता है। तो वो सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ये याद दिलाती हैं कि पहाड़ अलग कभी नहीं थे। पहाड़ खतड़ुआ के बारे में बताइए ना, इसके बारे में हम लोग खतड़ुआ, हाँ नहीं देखिए, खतड़ुआ तो एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण स्मृति का हिस्सा है जिसमें माना ही जाता है कि कुमाऊँ के एक राजा ने जब गढ़वाल के एक राजा को हरा लिया, जी विजय को सूचित करने के लिए पहाड़ पर धुएं, पहाड़ पर स्मोक सिग्नल, जी, मगर ये मेरे ख्याल में उस तरह की प्रतिस्पर्धा है कि गढ़वाल वाले चूंकि रियासत का हिस्सा थे, कुमाऊँ वाले राज में थोड़ा अपने को ज्यादा आधुनिक समझने लगे, तो ये दोनों का पैर भाव कुछ प्रतिस्पर्धा वैसी है कुमाऊँ गढ़वाल की, जिस तरह की ब्राह्मणों की, ठाकुरों की, सवर्णों की, असवर्णों की। मगर मुझे लगता है बड़ी बात पहाड़ के बारे में याद रखने की ये है कि पहाड़ की समानताएं एक ऊंचाई पर रहने वाले लोगों की और एक तरह की घाटी में रहने वाले लोगों की, तराई में रहने वाले लोगों की, रोमा लोगों की एक सी है, वो हिमाचल से लेकर अरुणाचल तक। और उनका जो साम्य है, मैं बिल्कुल शेखर से सहमत हूँ कि वो सारे पहाड़ी एक ऊंचाई के एक तरह के होते हैं। आप नागालैंड चले जाएं या आप नेपाल में कहीं चले जाएं, और नेपाल में उससे काठमांडू पोखरा की बात नहीं कर रहा, आप बड़े शिमाल में जाएं, आप नंडी के अंचल में जाएं, आप महाकाली अंचल में जाएं, तो ये विवाद बेमतलब है कि बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे या राम कहाँ पैदा हुए थे, क्योंकि जिस समय बुद्ध का जन्म हुआ नेपाल नाम का अस्तित्व नहीं था और भारत नाम का भी कोई अस्तित्व नहीं था, नीचे भी गणराज्य था, और उसका विस्तार कहाँ था और कहाँ नहीं था ये अलग बात। तो मुझे लगता है कि पौराणिक भूगोल को आज की भूजानी को बिठाने से कुछ कष्ट होता है, वैसे ही पहाड़ को अगर आज के समाचार के त्रिकोण से प्रिज्म से आप, एक मुझे याद है हम लोग स्वांग रचते थे, हाँ, और बाद में बहुत मुझे पता लगा ये तो भाई हेलोइन नाम की कोई चीज़ होती है, हम तो वही करते थे, हम अलग अलग भेष में और फिर जाते थे घरों में, कुछ मांगते थे, और जो उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये अल्मोड़ा में इसकी परंपरा थी और ये स्वांग खासकर औरतें करती थी, और ये परंपरा इस स्वांग का उस स्वांग से कोई संबंध नहीं जो हरियाणा, राजस्थान या पंजाब में होता है जो विरासी करते हैं। उस दिन औरतें स्त्री जो है वो पुरुष वेश धारण करती थी, और हमारे उधर बच्चे करते थे नैनीताल में, हम लोग बच्चे भी एक तरह से उस वर्गीकरण से बाहर है कि मर्द कौन है और स्त्री कौन है, तो काजल की कोयले से मूछे बनाकर आप सर पे टोप लगा ले, इसका भी बड़ा मार्मिक वर्णन नमिता ने अपने उपन्यास में किया है, आपको याद आएगा। तो वो जो नारी मुक्ति की एक नमित वासना थी वो कहीं ना कहीं स्वांग में होती थी और उसमें कटाक्ष होते थे, मगर गांव में स्वांग का मैंने दर्शन कहीं नहीं किया। तो आप आपकी यादें जो हैं आपकी अपनी पर्वों के इर्द गिर्द,
दिवाली की है, मुझे याद आता है उसमें वो सांप्रदायिक सद्भाव की बात याद आती है। जो दिवाली के जी मंदिर रहते थे वो अस्पताल में मुसलमान बदायूं के शायद रहने वाले सलीम मियाँ थे, वो आते थे, वो अच्छा बांस की खपच्चियों से उस तरह की चीज़ बनाते थे जैसे ताजिया बनाते हैं या किसी बड़े बुजुर्ग का शव यात्रा का विमान बनता है, उसमें वो रंगीन कागज भरते थे, उसके भीतर वो कंदील लगाते थे और वो उस तरह का कंदील बनाया करते थे दिवाली के लिए। और आतिशबाजी छुपाने के लिए पिताजी डरते थे कि बच्चे हाथ पैर जला लेंगे अनार छुपाने में, एटम बम छुपाने में, वो काम भी सलीम मियाँ ही किया करते थे। और सलीम मियाँ के साथ ही उनकी उंगली पकड़कर हम अल्मोड़ा की बत्तियां देखने के लिए रात को सड़क पर घूमने लगते थे। ये तो एक पक्ष है। दूसरा जो त्यौहार मुझे याद आता है वो होली वाला त्यौहार है। और उस होली के त्यौहार में जो मुझे सबसे बड़ा आकर्षण लगता था वो जब सफाई कर्मचारियों की, जिन्हें आजकल हम कहते हैं भंगियों की टोली आती थी, वो सब लोग नशे में धुत होते थे और गाते बजाते गाली देते जाते थे और बुरा न मानो होली का माहौल होता था, नंगई का प्रदर्शन होता था, कोई कुछ कह नहीं सकता था और वो भैंस को डंडा क्यों मार रहे, भैंस का बच्चा मर जाता वाले गाने गाते आते थे। और ये बिल्कुल क्लाइमेक्स होता था होली का, जब उनकी टोली चली जाती थी तो कोई उसका मुकाबला करने वाला न दबंगई में न नंगई में होता था। तो मुझे लगता कि होली और होली की मुझे वो बैठकें याद है कि होली का दिन रंग का तो खेलने का एक होता था, मगर होली के पूरे 15 दिन पहले से पौष से होली की बैठकें घर में शुरू हो जाती थी और वो फिर रंग के दिन से खत्म होती थी होली का दहन के संग से। ऐसे ही रामलीला की तालीम शुरू नवरात्रियों के बहुत पहले हो जाती थी। तो ये पर्व लगभग मनोरंजन का एकमात्र साधन थे। रेडियो शॉर्टवेव कम जगह सुना जा सकता था, रेडियो बहुत कम लोगों के पास था, जब तक कॉन्गो के युद्ध से लोग 2-in-1 लेके नहीं आए थे, ट्रांजिस्टर नहीं आया था, टेलीविजन का नामो निशान नहीं था। क्योंकि अभिनय, लोकनृत्य, लोक गायन, घरों के त्योहारों पर औरतों का नाचना, औरतों की सवाल पथाई, औरतों की किशोरा बनवाई, सवाल पथाई जी हाँ सवाल पथाई किशोरा बनवाई, ये सारी चीजें मुझे लगता है यही मनोरंजन का साधन थे। और यही मुझे भी याद, कितने शब्द याद आ रहे हैं, आप तो एकदम मेरे ग्रोइंग अप ईयर्स के। और पहाड़ों, चाहे देश में कोई भी राज्य हो, वहाँ के पहाड़ों का एक दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष ये भी है कि वहाँ के पुरुष अक्सर नौकरी के लिए जाते थे, गांव खाली हो जाते थे वगैरह। ये क्या लोक गीतों में आया, पर्वों में आया, इस ये जो एस्पेक्ट था माइग्रेशन का? जिस गाने का जिक्र मैं आपसे पहले कह रहा था, कुछ कुमाऊनी का कुछ दुर्खैली का मिला जुला गाना है कि बुलबुली मैं तेला घूमी आयु रेला नैनीताला नैनीताला, ये वही है कि जो आदमी रंगरूट है जिसकी भर्ती फौज में हुई है कौसानी में और वो महायुद्ध लड़ने के लिए चला गया है, पहली बार रेल उसने तब देखी है और तभी उसको इतना पैसा मिला है कि वो अपने बाल में खुशबूदार तेल डाल सकता है, मगर देखी आयु रेला घूमी आयु रेला बुलबुली मैं तेला, ये फौज में नौकरी के कारण संभव हुआ है। मगर कुछ लोग जो मर जाते थे, खप जाते थे, वो तो नहीं लौटते थे, मगर ऐसा मेरी याददाश्त में नहीं हुआ कि पहाड़ बिल्कुल खाली हो, क्योंकि जो सैनिक भर्ती होता था वो 18 साल की नौकरी के बाद 30-35 साल में गांव लौट आता था। तो गांव सिर्फ बूढ़ों का गांव नहीं था, गांव अधेड़ों का गांव भी था। और जब तक ये अधेड़ गाँव में रहते थे, नीलेश भाई तब तक एक अनुशासन गाँव के जीवन में था, एक सामुदायिक जीवन था। ये जब से पैसा आया 62 की लड़ाई के बाद और नकदी अर्थव्यवस्था ने मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था का विस्थापन कर दिया, तब फिर शराब आई मोटरगाड़ी के साथ, देर व्यापार उसके साथ आया, फिर सामाजिक मतभेद बढ़ने लगा, ये मालामाल रातों रात हो गए, फिर जनतांत्रिक राजनीति का कुछ प्रभाव पड़ा, यदि आपके परिवार से कोई आदमी राजनीति में है तो उसका फायदा आपने उठाया, फिर राजनीति के आबादीकरण का प्रभाव आपने देखा, फिर लीसी की चोरी हुई, फिर वो आपकी आपके नैनीताल प्रवास से ठीक बाद के वर्षों की बात है जब लीसा की खदानों में तस्करी होने लगी, शराब का शिकार होने लगा, तो शराब माफिया, शराब खान माफिया आदि। वाह, कितनी यात्राओं पे ले गए आप मुझे आज, और यकीनन जो हज़ारों लोग आपको सुनकर और अपनी यात्राओं पर गए होंगे, तो बहुत बहुत मज़ा आया आज। और मैं आप इस जो स्मृतियों का सफ़र था, मैं लेकिन आपको मैं स्लो कैफ़े में एक कभी कभी घसीट लाऊंगा, ऐसे ही अपन लोग बैठेंगे, चाय पियेंगे और लोग क्या कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये जो आसपास की टेबल्स के लोग हैं ना, ये बड़े उद्दंड हैं, अपनी बात कम करते हैं, आप ये हमारी बात ज़्यादा सुन रहे हैं ये।
तो लेकिन उम्मीद है कि सबको बहुत आनंद आया होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पेश जी, और हम जल्द मिलेंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद पहाड़ों की यादें शेयर करने के लिए। ये थे पुष्पेश पंत जी, जो मैंने आपसे पहले वादा किया था कि ओरेकल हैं वो, किसी भी मुद्दे पे बात करने लग जाएं वो इतनी अद्भुत जानकारी देते हैं, अनुभव बताते हैं, लगता है कि हम उनको जी रहे हैं। उम्मीद है कि आप पहाड़ों में कहीं भी रहते हैं, अगर पहाड़ों में गए हैं, पहाड़ों में बड़े हुए हैं, तो आपको आज के हमारे शो ने वापस वहीं पहुंचाया होगा। मेरी पहाड़ की क्लासमेट हैं खिलाबिश्ट, उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि समटाइम्स इट्स गुड टू गो बैक वेयर इट ऑल बिगैन, और आज मैं भी वहीं पहुंचा। उम्मीद है आप में से बहुत से लोग वहीं पहुंचे होंगे जहां हर चीज़ की शुरुआत हुई थी। तो मिलिएगा फिर से स्लो कैफे में, ऐसी ही कोई और यादें, कोई और बातें साथ में छिड़ेंगी। और आइएगा जल्दी से, क्योंकि सीटें जो है ना, टेबल्स भर जाती हैं स्लो कैफे में, भीड़ बहुत होने लग गई है आजकल। हम मिलेंगे हर रात 8 बजे इस नए सफ़र पर, मेरा जो नया ऑनलाइन शो है उस पर। और आप ये देख सकते हैं पूरा एपिसोड मेरे यूट्यूब चैनल पर, नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA पर। और मेरा जो फेसबुक पेज है, मेरा जो ट्विटर हैंडल है इसी नाम से, उस पर भी देख सकते हैं। तो कल फिर मिलते हैं, और अभी मुझे आज्ञा दें, क्योंकि मैं भी भैया कोई चाय नाश्ता कर लूं कि नहीं। अब स्लो कैफे आया हूं तो कुछ तो करूंगा ना, वरना ये कहेंगे ऐसे बैठे हो, बिल कौन देगा। अभी चलता हूँ, कल फिर मिलते हैं यहीं रात 8 बजे स्लो कैफे में।